हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप सोचते हैं ड्यूक 390 और आरसी 390 अगर डुअल सिलेंडर बाइक होती तो क्या मजा आता बाइक चलाने। तो हाँ जी, आज की वीडियो इसी बारे में है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। जितने भी केटीएम लवर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि रूमर्स फैला हुआ है जैसे ड्यूक 490 और आरसी 490 लॉन्च होने वाली थी 2020 एंड ऑफ ईयर में, तो वो चीज अभी एक्सटेंड कर दी है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो इनका जो ईयरली एक प्रमोशन वो होता है कि केटीएम की कौन सी बाइक ईयर में लॉन्च हो या अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो, तो उसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल वो पोस्टपोन्ड हो गया है 2021 एंड ऑफ द ईयर। तो चलिए हम आपको बाइक के बारे में बताएंगे कि कैसी बाइक रहती है 490 ड्यूक एंड आरसी 490, 390 ड्यूक और आरसी 390, इसमें पावर कितना ज्यादा। हालांकि ये सिंगल सिलेंडर है, बट जो डुअल सिलेंडर बाइक है निंजा या आर थ्री, तो उससे काफी इनिशियल पिकअप में बहुत ज्यादा पावर है। अगर इसको डुअल सिलेंडर कर दें तो बाइक में कितना पावर बढ़ जाएगा, तो ये देख के केटीएम ने इंडिया के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो 2020 में लॉन्च करने का वो था, मगर इसकी वजह से ये जो क्राइसिस वगैरह है उसकी वजह से इसको डिले कर दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितना पावर है बाइक के अंदर, एक्सपेक्टेड जो पावर है, कितना टॉर्क है। हाँ जी, तो इसके पावर फिगर के बारे में बात करेंगे। जैसे पावर फिगर इसका आ रहा है एक्सपेक्टेड 56 टू 60 पीएस का पावर रहेगा और 40 एनएम का टॉर्क रहेगा, तो ये एक्सपेक्टेड पावर फिगर है, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन रहेगा इसका पैरेलल ट्विन सिलेंडर BS6 लिक्विड कूल DOH कंप्लाइंट इंजन रहेगा इसका। और हालांकि ये बाइक इंडिया की सबसे पावरफुल केटीएम की बाइक रहेगी, तो आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे ये बाइक की लॉन्च होने में, तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। देखते हैं 2021 में इसका लॉन्च होगा। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा पावर वाली ड्यूक या केटीएम आरसी 390 है, तो हाँ जी, इसके अलावा आपके दिमाग में एक चीज बात और चल रही हो, जैसे सुपर ड्यूक लॉन्च हुई थी 790, तो उसका रूमर्स ये है अभी कंफर्म नहीं है BS6 के वेरिएंट में लॉन्च होगा। हालांकि ये न्यूज आ रही है कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है, तो देखते हैं वैसे कि इंडिया की सबसे पावरफुल बाइक जो रहेगी अब आने वाली 490 ड्यूक एंड 490 आरसी। एक चीज मुझे और बताना था, आप लोग इतना सब पूछ रहे होंगे कि बाइक्स का पावर बता दिया, बाइक्स का लुक। हाँ, बाइक्स का लुक अभी रिवील नहीं हुआ है। हालांकि ये जो 390 और आरसी 390 है इससे डिफरेंट रहेगा, इनके कंपनीज वगैरह ने बताया कि इससे डिफरेंट लुक रहेगा। प्लस एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसका प्राइस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो रहेगा आपका 5 से 5.5 लाख रुपए तक, इसका एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल और होगा, फॉलो कर सकते हैं नए नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। साइलेंट नाइट्स रिकॉल।